साइबर सिटी की सड़कों पर अब ओवरलोड वाहन चालकों की खैर नहीं होगी। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ा है जो नियमों को ताक पर रख अपने वाहनों में क्षमता से अधिक सामान भरकर चलाते हैं। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण ने 741 ऐसे वाहनों के चालान काटे हैं। यातायात प्राधिकरण ने इन वाहन चालकों पर लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव की माने तो विभाग ने जून माह में ओवरलोड व बिना परमिट के चल रहे 741 वाहनों के चालान कर 2,96,84,700 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिले में ओवरलोड वाहन का परिचालन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे एक तो सड़क हादसों के ग्राफ में कमी आई है, साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो अंडर लोड ही चलाएं, जिससे कि कोई सड़क हादसा भी ना हो। साथ ही क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण का प्रयास है कि ओवरलोड को पूरी तरह बंद करवाए। इसके लिए निरंतर चेकिंग और चालान किए जा रहे हैं। देखिए, जून माह में हमारा 2,96,00,000 रुपए की हमारी चलानी हुई है और टोटल हमारे 741 चालान हैं, जिसके अंदर 2,64,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है और 31,93,000 का कोर्ट केसेस के अंदर पेंडिंग है। जैसे न्यायालय का निर्णय होगा तो उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। ओवरलोडिंग वाहन है, निकट दुर्घटना को भी न्योता देते हैं, किस तरह का नुकसान है? देखिए, दुर्घटना को भी न्योता देते हैं, रोड पे जो उनके आसपास चल रहा है उस पर भी रिस्क है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे रोड जल्दी टूट जाती है। ये बिल्कुल हमारी निरंतर कार्रवाई जारी है। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव की माने तो सड़क पर चल रहे प्रत्येक वाहन के लिए भार की क्षमता निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए निर्धारित भार क्षमता के तहत ही वाहनों का परिचालन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।